हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के गड्डा रोड पंचायत समिति के बूठिया गांव में सोमवार को हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बाद लौट रही चार महिलाओं समेत 8 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने अपने पक्ष में मतदान करने की बात को लेकर पहले उन्हें धमकाया और जब उन्होंने अपनी मर्जी अनुसार वोट देने की बात कही तो मतदान करके घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में रोककर आरोपियों ने चार महिलाओं समेत 8 लोगों के साथ मारपीट कर दी। पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित पक्ष ने नामजद 17 लोगों के खिलाफ गड्डा रोड थाने में मामला दर्ज करवाया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। घटना के दूसरे से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी पर जिला अस्पताल पहुंचे SC ST एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी और दबंगों समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर जुबानी हमला बोला। दलित नेता बडरा ने बताया कि जिले भर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आए दिन अत्याचारों और मारपीट का शिकार हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन दबंग लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। मारपीट का शिकार हुए रमेश कुमार ने बताया कि बूठिया गांव में मतदान करने के बाद उसके परिवार की महिलाएं और करीब 8 से 10 लोग अपने घर को लौट रहे थे। इस दौरान हबीब पुत्र बच्चू, नवाब पुत्र बच्चू, सुमार पुत्र आली, रसूल पुत्र हबीब, आवास पुत्र आली निवासी बूठिया, मादा पुत्र रमदान, जिमाल पुत्र माला, साबू पुत्र मादा, बरकत पुत्र नूरा, शेरू पुत्र मजीद समेत 17 लोगों ने उसके परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों के बीच बचाव में आए लोगों के साथ भी मारपीट की। पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा गड्डा रोड थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए दबंगई करने वाले लोगों के खिलाफ गड्डा रोड थाना पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है। फिलहाल हमले में घायल हुए लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।